स्कूल के अंदर ही आतंकियों का निशाना बना शिक्षक दीपक चंद जम्मू के पटोली मोड़ का रहने वाला था और वह अपने पिता लाल चंद की बरसी मनाकर रविवार को ही वापस कश्मीर गया था। दीपक के साथ उसकी पत्नी व 3 वर्षीय बच्ची भी इंदिरानगर में किराए के मकान में रहते थे। लेकिन इस बार वह अपनी पत्नी व बेटी को जम्मू में ही छोड़कर वापस कश्मीर गया था। दीपक की मौत का समाचार जैसे ही उसके घर पहुंचा तो वहां कोहराम मच गया। घर में उस समय दीपक की माँ व भाई मौजूद थे और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि दीपक अब उनके बीच नहीं है। वो लोग जो झंडा उठा लेते हैं ना कौम का, तो एक कौम को वही बुरा करते हैं, वही उस कौम को बुरा बना रहे हैं जो कुछ गंदे लोगों का साथ देके उनके गंदे कामों को प्रमोट करते हैं कि उनको जस्टिफाई करते हैं। ये ठीक है, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को गिन गिन के, चुन चुन के। कि छोटी सी बच्ची है 2.5-3 साल की, मैं चाहता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, मीडिया वाले उस बच्ची की तस्वीर दिखाएं इनको, और रात को अगर इनको थोड़ी सी शर्म आती है तो थोड़ी सी शर्म करें, क्योंकि ये शाम को मंच पे चार इधर बैठेंगे, चार इधर बैठेंगे, और वो अपनी बात कहेगा, वो अपनी कहेगा, पर इनका अपना बिजनेस चलेगा। आज दीपक है, कल अरुण होगा, परसों राहुल होगा, कल डॉक्टर बिंद्रू थे, नाम चेंज हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। दीपक के भाई ने बताया कि उसकी नौकरी वर्ष 2019 में लगी थी और तब से वह वहीं पर कार्यरत था। पिता की बरसी के लिए दीपक घर आया था। मंगलवार को उसकी दीपक के साथ फोन पर बात हुई थी। मंगलवार को कश्मीर में मक्खन लाल बिंद्रू व एक अन्य गोलगप्पे वाले की हत्या के बाद से वह घबराया था। हमारा ये मानना है कि ये सिक्योरिटी एनवायरनमेंट का फेलियर है कश्मीर में, और इसके साथ में ही जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत वहाँ नौकरी करने के लिए जाते हैं या दूसरे लोग काम करने के लिए जाते हैं, अब तो स्पष्ट रूप से ये हिंदुओं पर अटैक है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो डोगरा हो, चाहे वो कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से बाहर का कोई हिंदू वहाँ काम करने के लिए गया हो या कोई सिख हो, यानी कश्मीर की अल्पसंख्यक पॉपुलेशन जो है उन पर ये सिलेक्टिव किलिंग्स का एक हमला है। और ये अभी जो आज एक स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से आई है टेररिस्ट की तरफ से कि कश्मीरी पंडितों को एक फाइनल वार्निंग दी जाती है, इसका सीधा और स्पष्ट मतलब है कि ये एथनिक क्लींजिंग का चैप्टर फिर से खुल गया है।